वेलकम टू एडुकेटर बक। कैसे आप सब स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएनए के वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में। डीएनए के मॉडल को जानने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि डीएनए आखिरकार होता क्या है। वैसे तो सबको पता होगा कि डीएनए होता क्या है, फिर भी हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज़ डीएनए? अगर आपसे कोई पूछ ले कि डीएनए क्या है तो आप क्या देंगे? तो डीएनए को सबसे पहले अगर हम देखें, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज़ अ मॉलिक्यूल फाउंड इन सेल्स दैट कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी वायरसेस। डीएनए क्या है? एक मॉलिक्यूल है जो कि सभी सेल्स में पाया जाता है, सभी सेल्स में प्रेजेंट रहता है। अब ये जो डीएनए है, मॉलिक्यूल है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और जितने भी ज़्यादातर वायरस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके फंक्शन के लिए कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से डेवलप होना है, किस तरह से ग्रोथ होनी है, तो इन सभी के लिए ही जो डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि डीएनए में ही क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ज़्यादातर वायरस हैं उन सब की डेवलपमेंट के लिए, फंक्शन के लिए और ग्रोथ के लिए। यहाँ हम देख सकते हैं ये सेल है, सेल के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है? डीएनए प्रेजेंट रहता है। ये क्या है? यहाँ पे एक क्रोमोसोम दिखाया गया, क्योंकि जो डीएनए है वो बहुत लार्ज होता है, इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जो डीएनए है वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें क्रोमोसोम के फॉर्म में देखने को मिलते हैं न्यूक्लियस में। डीएनए इज़ अ लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड चेन मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो डीएनए है वो कैसे होता है? लॉन्ग होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो स्ट्रैंडेड चेन से मिलकर के बने होते हैं। अब ये दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट से मिलकर के बनी होती हैं, उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड हैज़ थ्री पार्ट्स, अ फॉस्फेट ग्रुप, अ शुगर मॉलिक्यूल, डी ऑक्सीराइबोस एंड अ नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गवानिन। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से पार्ट है? ये हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप से, शुगर मॉलिक्यूल जो कि डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गवानिन। यहाँ हम देख सकते हैं ये डीएनए को दिखाया गया है, यहाँ पर ये कैसा है? लॉन्ग है, डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है, एक स्ट्रैंड ये रही, ठीक है ना, और एक स्ट्रैंड इसकी अपोजिट है, तो ये दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है। अब ये जो स्ट्रैंड है इसकी, ये जो स्ट्रैंड है ये छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर के बनी होती हैं, उन यूनिट्स को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड से कह रहे हैं। फिर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो तीन पार्ट से मिलकर के बने होते हैं, वो कौन कौन से पार्ट है? इनमें एक फॉस्फेट ग्रुप होएगा, शुगर मॉलिक्यूल होएगा जो कि डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस होएगा। तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स के तीन पार्ट्स हैं। फिर इसी इमेज में हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये जो ये क्या है, ये बेस पेयर है, इसके बेस पेयर्स हम देख सकते हैं, ये कलर से डिनोट किया गया है, जो रेड वाले हैं वो क्या है? एडेनिन है, येलो वाले थाइमिन है, ब्लू वाले गवानिन है, और ये साइटोसिन। जबकि ये जो है ना बाहर की तरफ, ये क्या है? इसका शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। जब हम अभी इसका जो मॉडल है वो पढ़ेंगे, जब वहाँ पे इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी हम थोड़ा सा बस इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ये जो इमेज दिखाया गया है ये इस डीएनए को अच्छे से समझाने के लिए दिखाया गया है, क्योंकि हमने देखा जो डीएनए है वो दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना, एक स्ट्रैंड ये रही इसकी और एक स्ट्रैंड ये रही, तो ये क्या है? इसकी एक स्ट्रैंड है यहाँ पर और ये एक स्ट्रैंड है, ये दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच रहती हैं या जुड़ी रहती हैं, और साथ साथ में अभी हमने देखा कि ये जो स्ट्रैंड है दोनों की दोनों वो छोटी छोटी यूनिट्स से मिल करके बनी है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कह रहे हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो तीन पार्ट से मिल करके बने होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, ये रहा इसका फॉस्फेट ग्रुप, और क्या है? शुगर है, ये रहा इसका शुगर मॉलिक्यूल, और क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। तो बहुत सारी ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर इसके बाद एक और आ जाएगा, फिर एक और, तो बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं मिल करके वो एक पूरा स्ट्रैंड बना लेंगे या पूरी एक चेन बना लेंगे। फिर इसके अपोजिट ही ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर इसके बाद इस आते जाएंगे न्यूक्लियोटाइड, तो ये क्या करेंगे? ये भी पूरा स्ट्रैंड बना लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। The specific sequence of these nucleotides in DNA determines an organism's genetic code and carries the information needed to build and maintain an organism's cells and structure.
डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, वो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कोड को डिटरमाइन करता है, और साथ साथ में क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करके रखता है कि जो ऑर्गेनिज्म की सेल है वो किस तरह से मेंटेन होगी, किस तरह से बिल्ड होगी, या उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से मेंटेन होगा या उसका स्ट्रक्चर होगा। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, डीएनए क्या होता है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, वैसे तो सबको ही पता होगा फिर भी हमने थोड़ा सा इसको चेक कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए के वॉटसन और क्रिक मॉडल के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये है क्या डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का एक मॉडल प्रपोज किया था जो ये बताता था कि जो डीएनए है वो आखिरकार दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसे क्या नाम दे दिया, उसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए नाम दे दिया। तो इसके बारे में हम चलिए पढ़ लेते हैं। द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953। डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के थ्रू प्रपोज किया गया था, कौन से ईयर में, 1953 में। तो इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। जेम्स वॉटसन से इसका वॉटसन आ गया और फ्रांसिस क्रिक से इसका क्रिक्स आ गया, तो इसे क्या नाम दे दिया, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, क्योंकि जो है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने ही ये मॉडल दिया था, कौन से ईयर में, 1953 में। इट इज़ अ फेमस साइंटिफिक डिस्कवरी डैट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है डीएनए का, ये सबसे फेमस साइंटिफिक डिस्कवरी थी उस समय की, जो ये बताती थी कि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। In simple words, they proposed that DNA looks like a twisted ladder called a double helix. उन्होंने simple words में ये बताया कि जो DNA है वो किस तरह से दिखता है, twisted ladder की तरह हमें देखने को मिलता है, जैसे twisted सीढ़ियाँ होती है ना, यहाँ हम देख सकते हैं twisted सीढ़ियाँ हैं, ladder है, उस टाइप से जो DNA है वो दिखता है, जिसे उन्होंने क्या नाम दे दिया, डबल हेलिक्स नाम दिया। यहाँ हम देख सकते हैं इस इमेज में ये क्या है, ये ट्विस्टेड लैडर है, तो इसी टाइप से ये जो डीएनए है ये भी इसी तरह से दिखता है, ट्विस्टेड लैडर की तरह। इमेजिन अ ट्विस्टेड लैडर वेयर द साइड्स ऑफ द लैडर आर लाइक द बैकबोन ऑफ द डीएनए विच इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर डीऑक्सीराइबोस एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड द स्टेप्स आर मेड अप ऑफ पेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ पे समझने के लिए अगर हम देखें, ये जो ट्विस्टेड लैडर है इसके जो साइड्स हैं ये क्या है, इसके साइड्स हैं, हम देख सकते हैं ये क्या है, इसके साइड्स हैं, वो इसके जो साइड्स हैं वो क्या है, डीएनए की बैकबोन है। ये क्या है, इसके डीएनए की बैकबोन है, जो कि किससे मिलकर के बनी होती है, वो डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है, जबकि जो इसके स्टेप्स हैं ये क्या है, इसके स्टेप्स हम देख सकते हैं जिस पे हम चलते हैं, ये क्या है, इसके स्टेप्स हैं, यहाँ पे डीएनए में हम देख सकते हैं ये क्या है, इसके स्टेप्स हैं, ये किससे मिलकर के बने होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हमने देखा अभी, एडिनिन गवानिन थाइमिन साइटोसिन, तो ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। DNA consists of smaller units called nucleotides. अब वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि जो DNA है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बना होता है, उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री पार्ट्स, अ फॉस्फेट ग्रुप, अ शुगर मॉलिक्यूल डीऑक्सीराइबोस एंड अ नाइट्रोजनस बेस, एडिनिन थाइमिन साइटोसिन एंड गवानिन। अब उन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो तो छोटी छोटी यूनिट से मिल करके बना होता है, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से पार्ट है, वो है फॉस्फेट ग्रुप, फिर होता है उसमें एक शुगर मॉलिक्यूल जो कि है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और साथ साथ में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस चार टाइप्स के होते हैं, एडिनिन थाइमिन साइटोसिन गवानिन, और एक होता है यूरेसिल जो कि आरएनए में प्रेजेंट रहता है। बट यहाँ पे हम डीएनए की बात करें, डीएनए में जो है वो नाइट्रोजनस बेस, एडिनिन थाइमिन साइटोसिन गवानिन होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो डीएनए है छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बनाता है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कह रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक इसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा, फिर क्या होगा, उससे अटैच्ड शुगर मॉलिक्यूल जो कि क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, फिर यहाँ पे क्या है, इसका नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस में कुछ भी हो सकता है, एडिनिन थाइमिन साइटोसिन या गवानिन। यहाँ पे अगर इस इमेज में हम देखें, हम देख सकते हैं ये क्या है, डीएनए हमें दिखाया गया है, कैसा है, ये ट्विस्टेड लैडर के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। अब ये जो डीएनए है छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बनाया, जिसे न्यूक्लियोटाइड्स कह रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। ये वाला जो इमेज है ये इसको अच्छे से दिखाया गया है कि ये जो
ये एक स्ट्रैंड है इसकी और ये दूसरी स्ट्रैंड है, ये फॉस्फेट ग्रुप है इसका, ये इसका क्या है शुगर मॉलिक्यूल है और ये क्या है गवानीन है। जबकि ये दूसरी जो चेन है, दूसरी जो स्ट्रैंड है उस पर क्या प्रेजेंट है, ये फॉस्फेट ग्रुप है इसका, ये शुगर मॉलिक्यूल है और ये क्या है साइटोसिन है। ये एक स्ट्रैंड दिखाई गई है डीएनए की, ये दूसरी स्ट्रैंड है। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मेक अप ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये जो डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल है ये दो स्ट्रैंड्स मिलकर के बनाती हैं। ये देख सकते हैं ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड और ये क्या है इसके अपोजिट दूसरी स्ट्रैंड है। ये दोनों स्ट्रैंड मिलकर के पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल बना रही हैं। ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कोवेलेंटली लिंक्ड बाय देयर फॉस्फेट ग्रुप एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब हमने देखा ये एक स्ट्रैंड ये रही और एक स्ट्रैंड ये रही, तो ये दोनों की दोनों जो स्ट्रैंड होती है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनी होती है। हमने अभी पीछे देखा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है डीएनए। अब वो जो न्यूक्लियोटाइड था वो भी तीन पार्ट से मिलकर के बना था, फॉस्फेट ग्रुप होगा उसमें, एक शुगर मॉलिक्यूल होगा जो कि डीऑक्सीराइबोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है जो कि यहाँ पर हमने इस इमेज को दिखाया गया था। ये एक स्ट्रैंड इसकी ये दिखाई गई है और दूसरी स्ट्रैंड इसकी ये दिखाई गई है। अब इन्होंने यहाँ पर ये तो बता दिया कि जो ईच स्ट्रैंड है दोनों की दोनों ये जो स्ट्रैंड है वो किससे मिलकर के बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनी होती है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से डीएनए मिलकर के बना होता है, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरह से अटैच रहेगा, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू फिक्स रहता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, जो ये वाला न्यूक्लियोटाइड है इसका शुगर मॉलिक्यूल, ये हम देख सकते हैं इसका शुगर मॉलिक्यूल है। एक न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर मॉलिक्यूल है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से अटैच रहता है। तो इस टाइप से जो है एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच रहेगा, फिर ये न्यूक्लियोटाइड अगला न्यूक्लियोटाइड से अटैच रहेगा किसके थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, फिर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से वो एक पूरी स्ट्रैंड बना लेंगे। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोस शुगर से लिंक रहते हैं। द नाइट्रोजनस बेस इज ऑलवेज पेयर अप इन अ स्पेसिफिक वे, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद गवानिन, दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अभी हमने देखा था कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो फोर टाइप्स के थे, एडेनिन गवानिन थाइमिन साइटोसिन। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है इनका जो पेयरिंग होगी वो एक स्पेसिफिक वे में ही होगी, कि जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा या उसके साथ पेयर बनाएगा, जबकि जो साइटोसिन है वो हमेशा गवानिन के साथ पेयर बनाता है। ऐसा नहीं कि जो एडेनिन है वो किसके साथ बना लेगा, साइटोसिन के साथ बना लेगा, जबकि जो थाइमिन है वो गवानिन के साथ बना, ऐसा नहीं होता है। ये जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, जबकि जो गवानीन है या साइटोसिन है वो हमेशा गवानीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसा कि हम यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक स्ट्रैंड दिखाई गई है डीएनए की, दूसरी स्ट्रैंड दिखाई गई है, जबकि बीच में क्या है इसके नाइट्रोजनस बेस है, ये क्या है एडेनिन है, ये हमेशा थाइमिन के साथ पेयर बनाएगा किसके थ्रू, डबल बॉन्ड के थ्रू, जबकि ये जो साइटोसिन है वो हमेशा गवानिन के साथ पेयर बनाएगा किसके थ्रू, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। इस इमेज में भी हम दिखा सकते हैं ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, और ये क्या है थाइमिन का स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से पेयरिंग कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे दिखाया गया ये साइटोसिन है और ये क्या है गवानिन है, ये एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड, तीन बॉन्ड के थ्रू जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है उससे पेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है कि जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा और जो साइटोसिन है वो हमेशा गवानिन के साथ पेयरिंग करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहेंगे। दीज पेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक बॉन्ड्स कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो एडेनिन ने थाइमिन के साथ पेयरिंग करा, ये वीक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से पेयरिंग करेंगे, इस वीक बॉन्ड को हम क्या कहें हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ एक वीक बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं पेयर करता है, ये क्या है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये तो हमने देख लिया कि जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा और इन दोनों के बीच में क्या रहेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है। साथ साथ में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जब एडेनिन और थाइमिन के साथ पेयर करेगा वो डबल बॉन्ड से करता है, जबकि जो गवानीन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू करेगा। द डीएनए इज ट्विस्टेड इन राइट हैंडेड डायरेक्शन और वी कैन से इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो डीएनए होता है वो हमेशा क्या होता है राइट हैंडेड पर ट्विस्ट होता है, ठीक है ना, हम कह सकते हैं राइट हैंडेड की तरफ ये क्या करता है ट्विस्ट करता है, या हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ट्विस्ट करता है। द अमाउंट ऑफ एडेनिन ऑलवेज इक्वल द अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड द अमाउंट ऑफ साइटोसिन ऑलवेज इक्वल द अमाउंट ऑफ गवानीन।
अभी हमने देखा कि जो एडिनिन है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड के थ्रू, जबकि जो साइटोसिन है वो गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो एडिनिन है उसकी जो अमाउंट है वो हमेशा थायमिन के बराबर होता है, जबकि जो साइटोसिन है उसका जो अमाउंट है वो हमेशा गुआनिन के इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि जो एडिनिन है उसका अमाउंट ज़्यादा होगा जबकि जो थायमिन है उसका अमाउंट कम होगा, ऐसा नहीं है। जो एडिनिन है उसका जो अमाउंट है बिल्कुल इक्वल रहता है थायमिन के, या हम कह सकते हैं थायमिन जितना होगा एडिनिन ही उतना होगा और एडिनिन जितना होगा उतना ही थायमिन होगा। इसी तरह से जितना साइटोसिन का अमाउंट होगा उतना ही जो है वो गुआनिन का अमाउंट होगा। तो एडिनिन इज इक्वल्स टू थायमिन और गुआनिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन, इन दोनों का अमाउंट जो है वो इक्वल रहता है। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये हम देख सकते हैं ये एक स्ट्रैंड है और ये क्या है, ये दूसरा स्ट्रैंड है जो कि इसके अपोजिट है। तो ये क्या है, अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा उस डायरेक्शन में जाएगा, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। वन स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम द 5' एंड टू द 3' एंड, वाइल द अदर स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 3' एंड टू द 5' एंड। डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है वो 5' से लेकर के, हम देख सकते हैं ये 5' से लेकर के कहाँ पे एंड हो रहा है, ये 3' तक रन कर रहा है, जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड है वो 3' से 5' की तरफ एंड होता है, हम देख सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल बिकॉज द स्ट्रैंड्स आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो अरेंजमेंट है स्ट्रैंड का इसे हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल भी कहते हैं, क्योंकि जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। ये ना हम जो वॉटसन और क्रिक ने जो स्ट्रक्चर बताया था उसको ना पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ते जाएं तो आप भी इसको पॉइंट वाइज पॉइंट नोट करते जाएंगे, जिससे आपको जो है वो अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट यहाँ पे जो बताया गया है वो डायमीटर से रिलेटेड है। द डायमीटर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है और कैसा है, ये हेलिक्स है, क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था कि जो है वो डीएनए ट्विस्टेड लैडर के फॉर्म में दिखता है, जिसे इन्होंने डीएनए हेलिक्स कहा था। अब इसका जो डायमीटर है, डीएनए का जो डायमीटर है, चौड़ाई जो है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स आर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहता है, और वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे दिखाया है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। द लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम आफ्टर अ फुल टर्न एंड इट पोजेस 10 बेस पेयर्स पर टर्न। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो डीएनए हेलिक्स है उसका जो लेंथ है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है एक फुल टर्न के बाद। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो डीएनए है ये पूरा एक टर्न लेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसने क्या लिया, एक इसका ये पूरा टर्न है, ये क्या है, इसका पूरा टर्न है। तो इसकी जो एक पूरे टर्न की जो लेंथ होती है डीएनए की वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। यहाँ पे बताया गया है वन कंप्लीट टर्न ही है। अब एक पूरे इस कंप्लीट टर्न के अंदर कितने बेस पेयर आ जाते हैं, टोटल 10 बेस पेयर्स आ जाते हैं। तो ये हम ध्यान रखेंगे, डीएनए का जो एक पूरा का पूरा टर्न है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, इसका एक टर्न है। आप समझे कि ये पूरी इसकी लेंथ बताई गई, नहीं, एक टर्न की यहाँ पर लेंथ बताई गई, ये अच्छे से ये पूरा एक यहाँ पर टर्न हुआ, ठीक है ना। इस एक पूरे टर्न की जो लेंथ है वो कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पे बताया कि जो एक टर्न है उसके अंदर टोटल 10 बेस पेयर्स है, यहाँ पे हम गिन लेते हैं कितने हैं, एक ये रहा बेस पेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल कितने बेस पेयर आ गए एक टर्न के अंदर, वो 10 बेस पेयर आ गए। इसकी लेंथ कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम हो गई। टर्निंग ऑफ डीएनए कॉजेज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट आइडेंटिशंस मेजर ग्रुप। अब जो डीएनए है वो जब टर्न होता है तो उसके कारण एक वाइड आइडेंटिशंस का फॉर्मेशन हो जाता है या एक वाइड आइडेंटिशन बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेजर ग्रूव कहते हैं। जब जो डीएनए है वो टर्न होता है, ये हम देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये डीएनए टर्न हो रहा है, ये देख सकते हैं एक स्ट्रैंड है इसका, ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो ये जब ये टर्न हो रहा है यहाँ पे बीच में हम देख सकते हैं ये क्या बन गई, एक चौड़ी सी आइडेंटिशन बन गई, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, मेजर ग्रुप कह रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड फॉर्म अ नैरो आइडेंटिशन माइनर ग्रुप।
फिर यहाँ पे बताएगा कि ये जो दो स्ट्रैंड है, ये जा रही है एक स्ट्रैंड, ये है ये दूसरी स्ट्रैंड, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है ये क्या फॉर्म कर रही है, बीच में एक नैरो सा आइडेंटिशन फॉर्म कर रही है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, माइनर ग्रूव कह रहे हैं। जबकि मेजर ग्रूव क्या था, जो डीएनए है जब वो टर्न हो रहा था उसका कारण क्या बन रही थी, एक वाइडर आइडेंटिशन बन रही थी जिसे हम मेजर ग्रूव कह रहे थे। तो ये मेजर ग्रूव है जबकि ये क्या है, माइनर ग्रूव है। ये पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये जो है वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल बताया था कि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ कि जो डीएनए का वॉटसन और क्रिक मॉडल किसने दिया था, वो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईयर में दिया था। ईयर आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये क्या था, ये जो मॉडल दिया इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। उन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो कैसा दिखता है, ट्विस्टेड लैडर के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, उसे उन्होंने क्या दिया, डबल हेलिक्स नाम दिया। उन्होंने बताया कि जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो ट्विस्टेड लैडर है इसी तरह से क्या है, वो डीएनए होता है। ये जैसे कि जो ये ट्विस्टेड लैडर है इसकी जो साइड्स है ये हम देख सकते हैं, ये क्या है, इसकी साइड्स है, वो क्या है, डीएनए की बैकबोन है जो कि किसकी बनी होती है, शुगर मॉलिक्यूल जो कि डीऑक्सीराइबोस शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप की बनी होती है। जबकि ये जो इसकी सीढ़ियाँ हैं, जो स्टेप्स हैं, वो किसके बने होते हैं, वो नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बना होता है, उन यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन पार्ट से बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से थे, वो एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गवानिन प्रेजेंट होते हैं, किसमें, डीएनए में। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है, डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड से मिलकर के बनाता है, और जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड है वो न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। अब ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है ये हम देख सकते हैं ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड है। ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरह से अटैच रहता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर मॉलिक्यूल है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से अटैच रहता है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे से लिंक्ड हो जाएंगे, तो एक पूरे जो है वो स्ट्रैंड बन जाएगा, इसी तरह से इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है वो भी बन जाएगा। फिर उन्होंने बताया है कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं, एडिनिन, गवानिन, थाइमिन और साइटोसिन, वो हमेशा एक स्पेसिफिक वे में ही पेयर करते हैं। जो एडिनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड के थ्रू, जबकि जो साइटोसिन है वो हमेशा गवानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू पेयर करता है। अब ये जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर बताया गया है कि जो डीएनए है वो ट्विस्ट करता है किस डायरेक्शन में, राइट हैंडेड डायरेक्शन में ये ट्विस्ट करता है, ये हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ये ट्विस्ट करता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो एडिनिन की जो अमाउंट है वो हमेशा थाइमिन के इक्वल रहेगी, और जो साइटोसिन का जो अमाउंट है वो हमेशा गवानिन के इक्वल रहता है। फिर ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा उस डायरेक्शन में जाएगा। एक जो स्ट्रैंड है वो 5' से 3' एंड कट पे जाता है, जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड है वो 3' से 5' की तरफ जाता है। जैसा कि इस इमेज में भी हम देख सकते हैं ये एक स्ट्रैंड कहाँ जा रहा है, ये 5' से कहाँ पे जा रहा है, 3' की तरफ जा रहा है, जबकि जो दूसरा एंड है वो 3' से 5' की तरफ जा रहा है। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल कहते हैं, क्योंकि जो इसमें स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं। फिर यहाँ पे बताया कि जो डीएनए है उसके जो डायमीटर, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अब जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है जिसे हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद बताया गया है कि जो डीएनए है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक कंप्लीट टर्न की यहाँ पे बताई गई, ये हम देख सकते हैं ये एक इसका कंप्लीट टर्न है, तो एक जो कंप्लीट टर्न है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम है। और एक इस पूरे कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर आते हैं, टोटल 10 बेस पेयर आते हैं। फिर यहाँ पे बताया कि जो डीएनए है जब वो टर्न करता है, हम देख सकते हैं ये डीएनए टर्न हो रहा है, तो उसकी वजह से एक जो है वाइड आइडेंटिशन बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेजर ग्रुप कहते हैं। हम देख सकते हैं जब ये डीएनए टर्न हो रहा है इसके बीच में क्या बन गया, ये वाइड आइडेंटिशन बन गई, इसे मेजर ग्रुप कह रहे हैं। जबकि जो दो स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड जा रहा है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वजह से, इनका जो डिस्टेंस है उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक नैरो आइडेंटिशन बन जाती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, माइनर ग्रुप कह रहे हैं। ये क्या दिखाए गए, ये डीएनए के हम देख सकते हैं ये नाइट्रोजनस बेस पेयर दिखाए हैं, जो कि क्या है, एडिनिन, गवानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये क्या है, ये इसका शुगर फॉस्फेट बैकबोन है डीएनए का।
तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने बताया किसका, डीएनए का। ये हम कह सकते हैं ये क्या है, डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है, कि जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था डीएनए को स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाने के लिए। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल, टेक केयर।